श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस ज्ञान के उपलब्धि में प्रमाणों का व्यापार होता है, वह ज्ञान उस प्रमाणों की स्थिति पर अवलंबित रहता है। जैसे रूप रंग का ज्ञान हमको होता है दृष्टि से, आँखों से, दृष्टि से भी नहीं आंखों से। और हमारी आंखें किस प्रकार की है उसके अनुसार हमको ये रूप रंग का ज्ञान होगा। कोई कोई लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, तो जो कलर ब्लाइंड है उनको जो ज्ञान होगा वो उस व्यस्त रंग का या रूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। दूसरे लोग जिसको लाल कहते हैं वो उसको दूसरा रंग कहेंगे। तो पहली बात, प्रमाण के अनुसार ज्ञान होता है। दूसरी बात, यदि प्रमाण स्थिर नहीं हो तो भी ज्ञान में स्थैर्य नहीं आ सकता। अब तीसरी बात, विषयों का ज्ञान तो हमको इंद्रियों से होता है, लेकिन इंद्रियों पर पर्दा आ गया तो जैसे आंखों में कैटरेक्ट डेवलप हो गया तो रूप रंग ठीक है, दृष्टि में कोई दोष भी नहीं है, लेकिन आंखों में कैटरेक्ट आने के बाद और आंखों में माने दृष्टि में कोई दोष न होने के बाद भी बीच में कैटरेक्ट का पर्दा आ गया, इसीलिए ज्ञान हो रहा है लेकिन बड़ा अस्पष्ट हो रहा है। देखो, तो यह जो ज्ञान का प्रमाण है उस पर इस ज्ञान की स्थिति है। अच्छा, ये हो गया स्थूल जगत का ज्ञान। अब आते हैं आंतर जगत के ज्ञान में। आंतर जगत का ज्ञान होता है मन के माध्यम से, और आंतर जगत में सुख दुख, लाभ हानि, अपना पराया, मान अपमान, आवश्यक अनावश्यक, ये सभी का सभी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, ये ज्ञान होता है मन के माध्यम से। यदि हमारा मन एकदम डल है, क्योंकि बड़े मुश्किल से नींद से उठा के लाए हैं, तो फिर क्या करेंगे? यहां आकर के रिले रेस होता है ना, वैसे शुरू हो जाएंगे। और फिर आज कुछ समझ में नहीं आया तो कैसे समझ में आएगा, क्योंकि मन एकदम तमोगुण से प्रभावित हो गया है। यदि मन में अनेक विक्षेप है किसी भी कारण से, तो ये जो विक्षेपित मन है जो जैसा है उसको वैसा नहीं स्वीकार कर सकता। माने दिखता है व्यक्ति शांत, वो कहेंगे ये मालूम है बाहर से शांत दिखाते हैं अंदर से क्रोधी है, क्योंकि उसका मन विक्षेपित है, जो जैसा है वैसा उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये हो गई अंदर की अनुभूतियों का प्रमाण मन। अब जो ज्ञान होता है
अतीन्द्रिय विषये वेदाः प्रमाणम्। जो विषय अतीन्द्रिय है माने इंद्रिय के परे है, जिस विषय को हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते, या दूसरे शब्दों में कहे तो जो परोक्ष विषय है, तो प्रत्यक्ष विषय का ज्ञान इंद्रियों से, उसके बाद अपरोक्ष विषयों का ज्ञान मन से, और तीसरा है परोक्ष विषय। परोक्ष विषय माने पिछला जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग नरक, ये दुनिया, दूसरी दुनिया। अब ये ना तो हम अपने इंद्रियों से जान सकते हैं, ना तो ये हम अपने मन से जान सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रमाण है? तो इसके लिए बताते हैं कि जो विषय अतीन्द्रिय है उसके लिए प्रमाण वेद है, और वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो प्रमाण है उसको कहते हैं बुद्धि। तो तीन बातें हो गई। आदि भौतिक जगत के लिए इंद्रिय प्रमाण, आदि दैविक, दैव का तात्पर्य देव माने अनुभव, आदि दैविक क्षेत्र के लिए मन, और जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसके लिए प्रमाण वेद है। और जिसका इस वेदों पर विश्वास या श्रद्धा नहीं है उसको आत्म तत्व का ज्ञान होना असंभव है। जिसके स्वीकृति में संदेह है, ये सब कहते तो हो सकता है लेकिन मुझे तो नहीं लगता, तो भले कहे, तो ऐसा जो व्यक्ति है माने जिसका ये बौद्धिक प्रमाण उस पे निष्ठा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आत्म तत्व का ज्ञान होना असंभव है। और इसीलिए अध्यात्म में जब हम प्रवेश करते हैं तब हमारी निष्ठा किस पर है? औपनिषदिक ज्ञान पर है, या किसी ने कुछ आशीर्वाद दे दिया, कुछ ठीक हो गया, फिर उसी के पीछे लग गए, या इंद्रियों के माध्यम से भोग की उपलब्धि हो रही है उसी में फंस गए? तो हमारे प्रमाणों के व्यापार के अनुसार हमारा जीवन होता है। तो हमारे जीवन में हम किसको प्राधान्य दे रहे हैं, इंद्रियों को या मन को या बुद्धि को? तो जो व्यक्ति इंद्रियों में फंसा है उसके लिए ध्यान का अभ्यास माने बढ़िया सा आसन हो, और इधर से एक पिलो, उधर से एक पिलो, और अच्छी माला हो, सोने में गढ़ाई हुई हो, रुद्राक्ष माला, वैराग्य, गढ़ाई है सोने में, वैराग्य खत्म, फिर वो बन जाता है एक जैसे ये लड़कियों के गलों में, गले में हार होते हैं ना, नेकलेस, या आदमियों के गले में हेडलेस। बस यही इनका अध्यात्म हो जाता है, क्योंकि ये अभी इंद्रियों के गुलाम है। फिर उससे दूसरे स्थिति पर आते हैं जो मन में फंसे हुए हैं। मन में फंसे हुए व्यक्ति हमेशा इसी चीज में लगे रहेंगे, 10 बार नमस्कार करो और आशीर्वाद दो। देखो ये आशीर्वाद मांगने वाले जो होते हैं ना, आशीर्वाद मांगने वाले की पराकाष्ठा ये है, हम हमारे जयपुर में देखते हैं, हमारा हाथ वो जबरदस्ती से पकड़ते और फिर अपने सर पर रख लेते, ये कौन सा आशीर्वाद है?
अच्छा कोई छोटा सा बालक कर ले तो बात अलग है, पढ़े लिखे बड़े लोग भी यही कहते। तो मैं अपने हाथ ऐसा जेब में ऐसा करके खड़ा रहता हूँ, स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बोला हाथ मेरे बिजी है। कहाँ बिजी है, मैंने अपने आप को पकड़ के रखा है, भाग रहा हूं कहीं। ये लोग मन में फंसे हैं और फिर यही हमेशा एकदम दीनहीन भाव, ऐसे लोग लिटिल डेंजरस होते हैं। देखो ये बात मुझे आप ही से सीखने को मिली। देखो आप सब मेरे गुरु हो। एक सज्जन ने मुझे कहा स्वामी जी आपको पता नहीं, उन्हें बताओ फिर मुझे ज्ञान दो। तो उन्होंने कहा लोग आपके साथ होकर के जैसी बात करते हैं ना, वैसे हम लोगों के साथ बात नहीं करते। आपके साथ तो बड़ी नम्रता से बात कहेंगे, स्वामी जी आइए बैठिए। हम गए थे खड़े क्यों, हटो यहां से। एक क्षण में परिवर्तन आ जाता है। देखो तो ये लोग अपने मन के मारे हुए, और ऐसे जो मन के मारे हुए हैं वो हमेशा चमत्कारों में फंसे रहते हैं। कोई ना कोई चमत्कार हो गया। देखो और ये चमत्कार के चक्कर इस प्रकार से है, उदाहरण दूं आपको। एक हमारे मित्र थे, अब नहीं रहे, बद्रीनाथ में बहुत बड़ा एक तीर्थाश्रम है, वहां उसको देखते थे वो। तो जब हम जाते थे तो हमको वो जितना चाहे रहने देते थे, बाकी सबको 3 दिन के ऊपर किसी को नहीं रहना, बड़ा स्ट्रिक्ट नियम था। तो लोग कहते फिर उनको क्यों रहने देते, बोले वो किसी के एड्रेस इकट्ठे नहीं करते। वहां के जो बाबा जी लोग जाते हैं ना, तो कोई नया बकरा मिला तो उसका एड्रेस नोट कर दिया। और गर्मी के विंटर के दिनों में वहां तो पहाड़ों में नहीं रह सकते, ठंडा है, तो निकले फिर वो एड्रेस लेकर के उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। देखो बेटा देखो बेटा, पा ये करो वो करो, पूजा करो पाठ करो। तो बोले वो ये धंधा नहीं करते, इसलिए उनको रहने देता हूँ, किसी को अपने पास आने भी नहीं देते। तो जब हम उनके साथ बैठते थे, अब वो थे कुंडलिनी मार्ग के और हम थे सोने वाले मार्ग के, तो साथ साथ बैठते थे। मुझे कहते थे स्वामी जी आप क्या करते हो, क्योंकि आपके साथ जब मैं बैठ जाता हूँ ध्यान करने के लिए, 2 मिनट में मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और एकदम सब शांत हो जाता है। आप कुछ करते हो क्या मेरे, मैं जादू करता हूं। देखो कोई ना कोई चमत्कार चमत्कार चाहिए। देखो महाराज ये लोग इस मन के गुलाम है, उसी में फंसे रहते हैं। और ऐसे लोगों को फिर आनंद आता है बहुत, संगीत में ज्ञान में बड़े मस्त रहते हैं। देखो और जिन्होंने इन दो प्रतिबंधों को समझ करके पार किया है, फिर उनको शास्त्र के अध्ययन में रस आने लग जाता है। देखो इसीलिए हम जो ग्रंथ पढ़ रहे उसका प्रारंभ यहीं से होता है, उपासना पहले कर्म। उन्होंने कर्म किए परशुराम जी ने, उसमें फ्रस्ट्रेट हो गए। यही बात पुराणों की कथाओं में आती है, भागवत पुराण की कथा में आता है कि सभी ऋषि 1,000 साल का बहुत दिव्य यज्ञ करने के लिए बैठे थे और सुबह से लेकर के धुआं खा खा के परेशान, फिर दोपहर को खाने के बाद आराम कर गए। फिर वो कहते थे सूत जी को, हम तो ये धुआं खा के परेशान हो गए, अब हमको कुछ कहानियां सुनाओ, हम बहुत तंग आ गए, भगवान की कहानियां सुनाओ। वैसे से पुराण प्रकट हो गए। तो पहले इन्होंने कर्म किया, वहां फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर उपासना में आए और फिर उपासना में वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए। कैसे फ्रस्ट्रेट हो गए, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं ही कल्पना कर रहा हूं कि ये देवी है,
अमुक है तमुक है, कौन है ये देवी? और फिर जिज्ञासा प्रकट हो गई। देखो ये स्टेप समझ लेना, जब तक के हृदय में अंतकरण में जिज्ञासा प्रकट नहीं होती तब तक के ध्यान माने केवल एक्रोबैटिक्स होता है। देखो तो ऐसे जो है जिनके हृदय में जिज्ञासा प्रकट हो गई वो ध्यान करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, वो ध्यान देते हैं हर क्षण अपने हर एक अनुभूति के प्रति, और उससे फिर सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है क्योंकि जिज्ञासा प्रकट हो गई। तो फिर ये जगत क्या है, जगत का ज्ञान होता है माने कहाँ होता है, कैसे होता है, किसको होता है, कब होता है, वही वस्तु हमको जो पहले बड़ी अच्छी लगी थी अब क्यों नहीं अच्छी लगती, ये सब ज्ञान की प्रक्रिया अंतकरण में शुरू हो जाती है। और ये शुरू होने के पश्चात फिर व्यक्ति को समझ में आता है कि जिस मन में ज्ञान हो रहा है वो मन अपने आप में ही तो सत्य नहीं है। मानसम तो किम मार्गणे कृते, जिस मन से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो मन ही तो सत्य नहीं है, ये ज्ञान कहाँ से सत्य होगा? तो फिर चिंतन शुरू होता है कि ये मन क्या है, कहां से आया। देखो ऐसा चिंतन करते करते व्यक्ति एक मार्ग प्राप्त कर लेता है। और उस मार्ग के पड़ाव है इंद्रियेभ्या परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनहा मनसहा परम बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परहा महतहा परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परहा पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति। अब इसको ये रोड मैप मिल गया। तो इंद्रियेभ्यः परायर्था, यदि विषय नहीं हो तो इंद्रिय बेकार है। देखो जैसे विषय है आकाश और इंद्रिय लगाया है दृष्टि, तो दृष्टि को विषय चाहिए रूप रंग, और आकाश को दोनों नहीं है, रूप भी नहीं रंग भी नहीं, तो ये दृष्टि किसी काम की नहीं। या अंधकार हो और आपकी दृष्टि ठीक हो तो अंधकार में दृष्टि क्या काम करेगी? इसीलिए दृष्टि का अस्तित्व विषयों पर है और विषयों का अस्तित्व इंद्रियों पर है। जहां ये एक दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर अवलंबित है तो दोनों ही सत्य नहीं। इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनहा, ये दोनों के पीछे क्या है? मन है। तो इंद्रिय हो गए स्थूल और विषय हो गए सूक्ष्म, फिर विषय हो गए स्थूल, मन हो गया सूक्ष्म, पर माने सूक्ष्म, पर माने कारणात्मक, पर माने प्रत्यक अपने नजदीक। पर शब्द के तीन अर्थ है। तो विषयों इंद्रियों से परे विषय, विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि माने बुद्धि हमारे पास है सूक्ष्म है और मन का कारण है, और बुद्धेर आत्मा महान परः, हमारी जो वैयक्तिक बुद्धि है
इस वैयक्तिक बुद्धि से समष्टि बुद्धि श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है। देखो वैयक्तिक बुद्धि और समष्टि बुद्धि को कैसे समझे। हम जहां जिस समाज में रहते हैं वहां के चाल चलन, वहां का जो प्रभाव है हम पर बिना जाने आ जाता है। देखो एक गुजराती अम्मा है हमारी, जिंदगी भर वो भारत के बाहर रही और फिर पिछले 25 साल से इंडिया में आ गई। पहले तो वो केवल अंग्रेजी ही जानती थी और गुजराती जानती थी, वो भी थोड़ी थोड़ी। जब इंडिया में आ गई तो उनका रहने का ठिकाना पहाड़ों में था, जहाँ काम करने वाले मेजॉरिटी नेपाली है। और उन्हीं के साथ रह करके उन्होंने हिंदी सीख ली, नेपाली बिहारी इन लोगों की हिंदी। अब वो सब कुछ होने के पश्चात फिर वो मुंबई आ गई 25 साल के बाद। आने के बाद जब वो हिंदी बोलती है तो हरेक उनको पूछता है, क्या आप नेपाली हो? नहीं मैं गुजराती हूँ। नहीं लेकिन आपकी बोली नेपाली है। तो जो समष्टि का प्रभाव है, व्यष्टि में वो गुजराती है, बोल रही है हिंदी लेकिन लगता है कि नेपाली जैसी बोल रही है। इसीलिए बुद्धेर आत्मा महान परहा, हमारा जो वैयक्तिक जीवन है ये वैयक्तिक जीवन समष्टि जीवन पर अवलंबित होता है। जैसे आपका वैयक्तिक जीवन 10 बजे तक सोना, यहाँ कैंप के लिए आए, अरे यार कम से कम लोगों को दिखाने के लिए तो उठ जाओ, समष्टि का प्रभाव आ गया। इसीलिए बुद्धेर आत्मा महान परहा, और फिर महतः परम अव्यक्तम। और ये महत तत्व क्या है? अव्यक्त जो परमात्मा की अनंत शक्ति है, उसी अनंत शक्ति के स्थूलीकरण का प्रारंभ। जैसे एक बीज है, उस बीज में बढ़ने की क्षमता है लेकिन वो क्षमता अभी प्रकट नहीं हो रही है। जैसे चना ले लो आप, एकदम सूखा सूखा चना, उसको चबा के खाने के लिए जाओ तो पूरा डेंचर बाहर आ जाएगा। तो फिर उस चने को रात भर पानी में भिगो के रखो तो वो धीरे धीरे फूल जाएगा और फिर उसमें से दूसरा पौधा बाहर आता है। इसी प्रकार से महत तत्व माने फूला हुआ चना और अव्यक्त माने सूखा चना। देखो सो महतः परम अव्यक्तम। और आगे कहते हैं अव्यक्तात् पुरुष परहा। तो यह जो शक्ति है जिसके कारण ये पूर्ण विस्तार हो रहा है, ये शक्ति किसकी है? क्या ये शक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है? देखो शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बिना शक्ति के पुरुष रह सकता है, बिना पुरुष के शक्ति नहीं रह सकती। जैसे अग्नि की शक्ति दाहिका, ये अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से स्वतंत्र होकर के नहीं रह सकती। देखो लेकिन अग्नि उस दाहिका शक्ति को बिना प्रकट किए भी रह सकता है। और इसीलिए यह जो शक्ति है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, यह इस पुरुष पर अवलंबित है और वही सा काष्ठा सा परागति, इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द के दो अर्थ बताते हैं साधु संत। एक है
पुरिशयनात् पुरुषः, यही पुरुष अव्यक्त को आधार दे रहा है, यही पुरुष अव्यक्त के बाद दूसरी स्टेप जो है महत्तत्व उसको आधार दे रहा है, यही पुरुष महत्तत्व के बाद फिर वैयक्तिक बुद्धि को आधार दे रहा है, वही तत्व वही पुरुष फिर वैयक्तिक बुद्धि से मन को आधार दे रहा है, मन से इंद्रियों को, इंद्रियों से विषयों को, सबको आधार देने वाला एक ही पुरुष है, इसीलिए पूर्णत्वात् पुरुषः। लेकिन ये पूर्ण होते हुए भी इसका प्रकटीकरण पुरी माने देह के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए पुरिशयनात् पुरुषः। तो जो पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण का आधार है, लेकिन अपूर्ण का आधार होने के बाद भी जिसके पूर्णता में कभी खोट नहीं आती, वह है पुरुषोत्तम। महाराज एवं माम यो अभिजानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मयानक एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। जब तक के ये रोड मैप क्लियर नहीं होगा, तब तक के ध्यान माने या तो जप किया, जिसको कहते झटका मेडिटेशन, देखो ये बहुत महत्व की बात है। ध्यान के लिए व्यक्ति को बहुत प्रसन्न और एकदम फ्रेश होना चाहिए। ऐसे उठे आके बैठ गए, हाँ ये कोई ध्यान है? देखो कई जगह इसी विचित्रता है, रात को सोते समय तो नहाके सोएंगे, सुबह उठ के नहीं नहाएंगे। अरे कल रात को तो नहाए थे, अरे कल रात को खाना भी खाया था ना। यू हैव टू बिगिन योर डे विद फ्रेश बाथ, तब जाकर के देखो स्नान परस्य जो नित्य स्नान करता है उसके दस दस गुण उनमें होते हैं। ये दस गुणों में एक महत्व की बात है, आलस्य निकल जाता है। मन में क्रोध हो तो क्रोध शांत हो जाता है, मन में उत्साह नहीं हो तो उत्साह आ जाता है, मन में डलनेस आ गया समझ में नहीं आ रहा वो समझ में आने लग जाता है। देखो इसीलिए जब भी आप नींद से उठते हो, नींद से दो बार उठते हैं, एक तो सुबह दूसरा दोपहर को, दिन को भी तो सोते ही है ना, तो उस समय भी आप नहा लो, देखो कितना जीवन अच्छा रहता है। नहीं तो फिर हम जाते हैं और हमको जो यहां से दिखता है ना विश्वरूप दर्शन, वो आपको वहां से नहीं दिखता। देखो हमने जो कहानी आपको बताई थी ना, पेड़ पर बैठा हुआ, हम पेड़ पर बैठे हुए, चाहे आप कितना भी देखो कि मेडिटेशन कर रहे हैं बैठे या सो रहे हैं, हम यहां से पहचान लेते हैं। देखो महाराज, लेकिन हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सो जाओ, नींद आपकी है, हमको क्या परेशानी है। जैसे हेलमेट वालों को एडवर्टाइजमेंट आता है ना, हेलमेट पहनो, सर बचाना आपका है, मर्जी आपकी। देखो तो जब व्यक्ति प्रसन्न होकर के बैठा है, अब रोड मैप तैयार है, तो शुरू हो जाएंगे पहले कहाँ फंसे हैं दुनियादारी में, तो वहां से हट के आ गए। इस समय हम कुछ बने नहीं, इसीलिए नींद से उठने के बाद नहा धो करके जब तक कि अपना ध्यान का अभ्यास पूरा नहीं होता,
पूजा पोथी पूरी नहीं होती तब तक के किसी की कुछ बनो मत। देखो सत्संग में मंडली के साथ कभी नहीं जाना चाहिए, अकेला जाना चाहिए, तब जाकर के आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। इसका उदाहरण लेते हैं आपको, हम अभी कहाँ थे इसके पहले, जयपुर में, तो किसी के यहाँ मुझे खाने को बुलाया, मैंने कहा किसी को मत बुलाना मैं अकेला आऊंगा। बोले स्वामी जी, हमने कहा तुम स्वामी जी कहोगे फिर मेरे से बोलना मत, ठीक है रोते रहो कोई बात नहीं। हम गए तो स्वामी जी आपने मना कर दिया इसीलिए हमने नहीं बुलाया किसी को, हम चाहते थे। हमने कहा देखो तुम समझते नहीं हो और सुनते नहीं हो, जब 50 आदमी को बुलाओगे खाने के लिए तो तुम्हारा पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, इसको मिला कि नहीं, उसको मिला कि नहीं, इसका ये हो उसका, और मुझे किस लिए बुला रहे, नुमाइश करने के लिए। देखो 2 मिनट भी तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी, और फिर कहते स्वामी जी आपके साथ टाइम नहीं मिलता, कैसे टाइम मिलेगा। इसी प्रकार से मंडली लेके चलो आप, तो मंडली का ही ध्यान रखना है, उसकी बाथरूम ठीक है कि नहीं, उसके ये किया कि नहीं। अरे राम मारो गोली दुनिया को, अपने में आ जाओ वापस, कुछ बनो मत, तब तक के ध्यान का साधन शुरू नहीं होता। अच्छा तो फिर पहले दुनिया से अपने आप को हटा लिया और ध्यान के लिए बैठते हो ना, तो ये भावना करना, हम कन्हैया लाल की गोद में बैठे हैं, अब निश्चिंत है, इस समय हम नोबडी, ध्यान के बाद क्या करेंगे कोई संकल्प नहीं, अपने आप आसन स्थिर हो जाता है, निश्चल हो जाता है, सांस बहुत धीमी और हल्की चल रही है, क्योंकि मन का कूदना बंद हो गया। अब हमको कॉन्सेंट्रेट कहीं नहीं करना, चित्त वृत्तियों के निरोध में भी परेशान नहीं होना। अब हमको ध्यान ध्यान खेलना है, तो ये भावना करे कि हम देह से अन्य है, ये अनुभव कैसा होगा, तो देह से अन्य माने
देह का आकार है तो हम है निराकार, तत्व हमेशा निराकार होता है। जैसे सुवर्ण का अपना कोई आकार विशेष नहीं है, इसीलिए सभी आकारों को धारण करता है। तो निराकार है अपने अभ्यास के लिए तत्व नहीं आकाश। तो स्थूल देह के आकार से बचने के लिए अब आकाश की धारणा करें। अब हमारा मैं देह की दीवालों को भेद करके संपूर्ण आकाश में फैल गया है। इसका कोई आकार नहीं, इसीलिए देह के अंदर में अनाहत में कुछ हो रहा है, विशुद्ध में कुछ हो रहा है, आज्ञा चक्र में कुछ हो रहा है, ये सब अपने आप निरर्थक हो गया। अब आकाश के गुणधर्म क्या है? निराकार होते हुए भी आकाश का आदि मध्य विकार और अंत नहीं है। अब अपने में देखो, क्या ऐसा ही नहीं अपना अनुभव? ना तो जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ना विकार का अनुभव है, ना तो मृत्यु अभाव का अनुभव है। यही अपना स्वरूप है। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जो हम है वास्तविक उसकी पहचान कराई जा रही है। अज्ञात की पहचान ज्ञात के संदर्भ से कराई जाती है। हमारे लिए ज्ञात था देह, इसी के संदर्भ से अज्ञात तत्व की पहचान कराई जा रही है। तो जो हम सोचते थे कि मैं देह हूं, इसका निराकरण करना, और जो वास्तविक हूं उसका
आग्रह करना, यदि हम आकाश की धारणा कर रहे हो तो आकाश किसी का विरोधी नहीं होता, इसी प्रकार से हमको इंद्रियों को बंद करके विषयों का विरोध नहीं करना है। कान सुन रहे सुनने दो, आकाश के जैसे हम पर उन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं। सभी इंद्रियों को जबरदस्ती से बंद करना, मन को मारना, यह योगिक प्रक्रिया इस ज्ञान में अनावश्यक है। केवल सावधानी, शब्द सुने जा रहे हैं लेकिन शब्द का कोई प्रभाव नहीं। जैसे आकाश में अनेक वस्तुएं हो या कम हो, उसका आकाश प्रभाव नहीं, वैसे ही कितने भी विषय हो या न हो, इंद्रियों पर प्रभाव नहीं। इस समझदारी से 24 घंटे में 24 घंटे ध्यानमय जीवन होगा। इसी के द्वारा वैराग्य की सिद्धि होती है। वैराग्य माने राग द्वेष के परे जाना है। किसी के होने का प्रभाव भी नहीं और नहीं होने का अभाव भी नहीं। यह स्थूल स्थिति है। कईयों को इन जगत के वस्तुओं का प्रभाव कम होने लगता है, लेकिन दूसरी
परिस्थिति अपने मन के विचारों से विक्षेपित रहते हैं। तो वहां दूसरी धारणा करनी है, जैसे स्थूल आकाश स्थूल जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे ही मन इंद्रियों के मन विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए विचारों को देख करके साक्षी भाव का अभ्यास न करें। ये साक्षी भाव में फंस जाओगे, फिर उनके प्रति उदासीन रहे। कैसा भी विचार हो, अच्छा या बुरा, आवश्यक या अनावश्यक, इसका चित्ताकाश पर कोई प्रभाव नहीं। और जितनी सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे, तब पता चलता है जिसको हमने महत्व दिया है उसी के विचार हमको परेशान करते हैं। अपने मन से सबके प्रति उदासीनता हुई तो मन में आने वाले विचार अपने आप गल जाते हैं, क्योंकि उनका समर्थन करने वाला महात्म्य खत्म हो गया। आपने कोई भी क्रिया नहीं करी, ना प्राणायाम ना जप, बिना प्राणायाम जप के हम इंद्रिय देह और मन इनके परे गए हैं। केवल सूक्ष्म चिंतन से
सांस ले लो गहरी दो तीन बार, और उस प्रक्रिया में देखो किस प्रकार से मन ने देह को अपने में स्वीकार कर लिया है। जिस मन से जीवन चल रहा है वो समष्टि मन है। अब उस मन ने एक आकार विशेष को धारण किया है और वो अपना व्यक्तित्व बना। और जब हाथ पर की उंगलियां हिला लो तो अब मैं ये देह के अंदर हूं, यह भाव निर्माण हो गया। और उसके कारण जो अहम के अंदर नहीं है, जो आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, वो अनात्मा ये जगत निर्माण हो गया। इस प्रकार से एक ही तत्व पूर्ण से अपूर्ण, अपूर्ण से अपूर्ण करके अपने आप को परिच्छिन्न बनाया, ये द्वैत का संसार शुरू हो गया। अद्वैत के दृष्टि से एक ही तत्व है, द्वैत के दृष्टि से एक ही तत्व दो में माना कि बट गया है, लेकिन असल में नहीं बटा। इस ज्ञान से जीना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।